माय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल, जो कि आप इजीली बना सकते हो, बट सेल्फ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं देखती हूँ मुझसे बन पाता है कि नहीं, ट्राई करते हैं। अगर मुझसे बन जाएगा तो आप लोगों से भी बन जाएगा। तो सेल्फ वीडियोज मैं इसी तरीके की हमेशा लेके आते रहती हूँ आप लोग के लिए अपने चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लो। और डेली स्किन केयर रूटीन में मैं क्या क्या यूज करती हूँ, अपना डेली का मेकअप कैसे करती हूँ, मैंने अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दिया है। सेकंड चैनल का नाम है प्रीत तिवारी टू, एंड उस पर मैंने कल अपलोड किया था ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन के लिए आप किस तरीके से स्क्रब करोगे तो आपके आपका जो एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगा, और ड्राई स्किन पे कैसे करोगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, झुर्रियां नहीं आएंगी, छाइयां नहीं आएंगी। तो आप जाके ट्राई कर लेना। मैं मेरे स्किन पे कहीं भी झुर्रियां छाइयां नहीं है, मैं क्या ट्राई करती हूँ कि मेरा स्किन ऐसे है, सब कुछ मैं अपने उस चैनल पे शेयर करते रहती हूँ। तो आप जाके चेकआउट कीजिए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए जैसे इस चैनल को देते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि होली का टाइम है और बहुत ज्यादा काम है। एंड मैंने होली के लिए दो वीडियो शेयर कर दी है हेयर स्टाइल की, जो कि होली में आप अगर कुर्ती पहन रहे तो आपको किस टाइप की हेयर स्टाइल करनी चाहिए जिसमें आप स्टाइलिश एंड क्यूट दिखोगे। एंड जो न्यूली मैरिड वुमेन है या फिर जो बहू लोग हैं, सिर पे पल्ला रखना होता है तो उनको कैसे हेयर स्टाइल करना चाहिए, सब कुछ अपने दूसरे वाले चैनल पे, सॉरी इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए। तो आज का जो वीडियो है उसके लिए मैं फ्रंट का कोई हेयर स्टाइल नहीं देगी, आप फ्रंट में भी हेयर स्टाइल फ्रंट में कोई स्टाइल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बैक में डायरेक्ट बनाऊंगी मैं, और बैक के लिए मेरे बाल भी काफी छोटे हैं, देखते हैं इस वाले हेयर पे बनता है कि नहीं ये वाला हेयर स्टाइल। तो आपको सिंपली इस तरीके से एक पोनी बना लेनी है, और पोनी को एक रबर बैंड से अच्छे से टाइट कर लेना है। ओके, टाइटली रबर बैंड को लगा लीजिएगा, ज्यादा लूज मत कीजिएगा, हो सकता है कि आपका जो बन है वो खुल जाए। फिर उसके बाद से आपको एक डोनट बन लेना है, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मेरे पास अभी एक ही डोनेट बन बचा हुआ है तो मैं इसी को ले रही हूँ। देन इसको ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से हाफ डोनेट बन में फैलाते हुए एक रबर बैंड और लेंगे और लगा देंगे। ओके, अच्छे से टाइटली इसको लगाएंगे ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है वो अच्छे से टिका रहे और खराब ना हो। हाफ हेयर पे अच्छे से, सॉरी हाफ हेयर पे अच्छे से, हाफ डोनेट पे अच्छे से हेयर को फैला लेंगे। देन हेयर को जो बचे हुए हेयर है उनको टू पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ओके, अब इस साइड के हेयर को ऐसे लेके जाएंगे कि आपका जो डोनेट बन है वो अच्छे से हाइड हो जाए। ओके, और इसको इस तरीके से करते हुए आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा गाइस। अब आपको एक क्लिप लेना है, बॉबी क्लिप, जुड़ा पिन नहीं, नहीं तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे आपको यू पिन से अपने हेयर को अच्छे से लगा लेना है, हेयर में यू पिन को। अभी साइड के जो हेयर है इनको भी अच्छे से मैनेज करते हुए, डोनेट बन को हाइड करते हुए, ओके मेरे हेयर काफी छोटे हैं तो इस टाइप से बन रहे हैं। आपके अगर थोड़े बड़े होंगे तो और भी अच्छे से आपका जो डोनेट बन है वो कवर हो जाएगा और आपका बन जो है वो काफी अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे भी मैं बॉबी क्लिप्स ले रही हूँ और अच्छे से इसको लगा दे रही हूँ। इस तरीके से अगर आपके भी हेयर छोटे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो और अपने बन को एक अच्छा सा लुक दे सकते हो। तो मुझे दिख नहीं रहा है कि कैसा बना है, बट आप लोग को दिख रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप कि अच्छा ही बना होगा। तो ये बन भी आप ट्राई कर सकते हो, छोटी बाल है जैसे किसी डोनेट बन ले दो और ब्यूटीफुल सा बन बना सकते हो जो कि काफी स्टाइलिश एंड इजी है, और सेल्फ भी बन गया है तो बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सेल्फ बना लिया एंड मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ये हेयर स्टाइल इस टाइप का कुछ। और ये जो बेबी हेयर स्टाइल है आपको परेशान करते हैं तो आप सेटिंग स्प्रे लेके अपने बालों को पतले दांतों वाली कॉम ले लो या फिर एक ब्रश ले सकते हो जिससे कि ये अच्छे से आपके बालों में चिपक जाए आपका जो हेयर है और आपके आपका जो हेयर स्टाइल है उसको ख़राब ना करे। तो मैं इस तरीके से एक कॉम लिया है मैंने, इस पर अच्छे से सेटिंग स्प्रे को लगा दिया है। एंड जो हेयर मेरे अनमैनेज है, बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा है मेरे बालों में क्योंकि हेयर फॉल होता है उसकी वजह से बेबी हेयर्स हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे बालों को,
जिससे कि आपका हेयर जो है वो अच्छा दिखे। दोनों साइड से सेम इसी तरीके से करेंगे। और इस तरीके से सेटिंग स्प्रे लगा देते हैं तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है और लॉन्ग टाइम तक वैसे का वैसे रहते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वाले हेयर स्टाइल आप साड़ी के साथ कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। आप फ्रंट में कोई हेयर स्टाइल बनाना चाहो जैसे तो बना सकते हो। फ्रंट के लिए बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज मैंने डाली हुई है तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लग रहा है बन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।